और चक्रधरपुर रेलवे हादसे पर टीवी 9 भारतवर्ष का बहुत बड़ा खुलासा। प्लास्टिक कवर गिरने से इंजन के शीशे ढक गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इंजन के शीशे ढकने से लोको पायलट को दिखना बंद हो गया। आनंद फानंद में इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन डीरेल हो गई। जहां हादसा वहां पहले से मालगाड़ी के डिब्बे मौजूद थे, प्लास्टिक की पन्नी से ढके हुए थे मालगाड़ी के डिब्बे। जिस प्लास्टिक से ढके थे वो हवा में अचानक से उड़ गया और बगल से गुजर रही थी उसी वक्त हावड़ा मुंबई रेल इंजन पर जा गिरा प्लास्टिक कवर, जिसके बाद ये हादसा बताया जा रहा है। इसमें कई बोगियां डीरेल हुई और कुमार कुंदन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कुंदन, लगातार हादसे हो रहे हैं और हर हादसे के बाद एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है, इस बार भी एक्सक्यूज दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या एक्शन होगा? कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से भविष्य में कम से कम इस तरह के हादसे ना हो? देखिए, अभी तक तो जो रेलवे के मुताबिक जो सामने जाके आ रही है उसके हिसाब से वैगन ट्रेन के ऊपर से प्लास्टिक उड़ के आया, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि वैगन ट्रेन वहां क्यों खड़ी थी, यह भी बात जानकारी की होनी चाहिए। क्यों वैगन ट्रेन को वहां पे कवर करके रखा गया था और अगर स्टैंड स्टिल थे तो उसकी वजह से ये सब परेशानी क्यों हुई? ये बात आपकी सही है कि रेलवे की तरफ से हर बार कोई नया एक्सक्यूज दिया जाता है, लेकिन ये बात भी तय है कि जो भी घटना हुई है उस घटना में पायलट की सूझबूझ से एक बड़ी घटना होने से टल गई, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि LHB कोचेस है जिसकी वजह से डिरेलमेंट में बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके लिए रेलवे ने एक कमेटी गठित कर दी है। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल कुंदन, एक बड़ा हादसा है, इसको लेकर जांच भी हो रही है और इस हादसे के बाद ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए कुमार कुंदन आपका।